सुखा चैनल में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और इस बार हम मीराबाई के पदों के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं, जबकि हम इसके पहले उनके पदों की व्याख्या कर चुके हैं। तो चलिए कक्षा दसवीं की पाठ्यपुस्तक स्पर्श में मीराबाई के जो पद दिए गए हैं उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करते हैं। इसमें जो का है वह प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? तो इसका उत्तर है कि पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए जो विनती की है वो इस तरह से की है कि आपने द्रौपदी की लज्जा बचाई थी, आपने जो है वो अपने भक्त के लिए नरसिंह रूप धारण किया था और आपने हाथी को गजराज ऐरावत को बचाने के लिए भी मगरमच्छ का नाश किया था। इसी तरह आप मेरा भी उद्धार कीजिए, मेरी भी रक्षा कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और इसका दूसरा प्रश्न है, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है कि मीराबाई श्याम की चाकरी इसलिए करना चाहती हैं ताकि वे उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय रह सकें, हर पल उनके दर्शन कर सकें और उनके प्रति अपनी भक्ति भावना का प्रदर्शन कर सकें। तीसरा है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? तो इसका उत्तर है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार किया है कि उनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है, शरीर पर पीतांबर है, पीले रंग के वस्त्र हैं और गले में वैजयंती के फूलों की माला पहने हुए हैं। चौथा प्रश्न है, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीराबाई जो है वो एक संत कवयित्री है, इसलिए उन्होंने अपने पदों में जो आम बोलचाल की भाषा है, मूलतः वो राजस्थान की थी इसलिए राजस्थानी शब्दों का उसमें ज़्यादा प्रयोग हुआ है, पर उसके अलावा ब्रजभाषा के, गुजराती के और खड़ी बोली के शब्दों का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। और अब इसके बाद प्रश्न पांचवा, श्री कृष्ण को पाने के लिए वे क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं? तो इसका उत्तर है कि वे कृष्ण को पाने के लिए बहुत से काम करने के लिए तैयार हैं। वे कहती हैं कि मैं गली गली आपके लीलाओं के गुणों को गाऊंगी। दूसरा, वो उनकी चाकरी करना चाहती हैं। तीसरा, ऊंचे ऊंचे महल और उनके बीच में बाग बगीचे लगाना चाहती हैं और फूलों की रंग वाली साड़ी पहनकर वे कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा रखती है। अब ये का के अंतर्गत वाले प्रश्न थे, अब खा देखते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो पहली है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर। तो इसमें काव्य सौंदर्य है कि बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, इसलिए यहां पर दृष्टांत अलंकार है। फिर दूसरा है, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी पीर। इसमें काव्य सौंदर्य है कि इसमें दृष्टांत अलंकार तो है ही, काटो कुंजर पीर में अनुप्रास अलंकार भी है। तीसरा है,
चाकरी में दर्शन पास्यू सुमरण पास्यू खर्ची भाव भगति जागीरी पास्यू तीनों बातों सरसी। तो इसमें काव्य सौंदर्य है कि कृष्ण के चाकरी करने के तीन फायदे उन्होंने बताए हैं कि भाव भक्ति जो है वो उसकी जागीर में पाऊंगी, चाकरी के रूप में जो मुझे मेहनताना वेतन मिलेगा वो दर्शन रूपी मेहनताना होगा, और खर्च के लिए जो कुछ भी मुझे दिया जाएगा वो असल में हरि के जो स्मरण है उनकी यादें हैं वो मुझे खर्च के रूप में प्राप्त होगा। तो ये तीनों प्रकार के मैं लाभ उठाऊंगी, ये उसके अंदर काव्यात्मक तरीके से कहा गया है। प्रश्न दूसरा है कि उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। तो चीर का प्रचलित रूप है वस्त्र, धरियो का रखा, कुंजर का हाथी, वृंदावन का वृंदावन, रहस्यों का रहना, राखो रखना, बूढ़ता डूबना, लगास्यों लगाना, घना बहुत सा सघन, सरसी पाना, हेवड़ा यानि हृदय, कुसुम्बी यानि फूलों के रंग वाली। तो ये थे मीराबाई के पदों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। अगली बार हम मीराबाई का जीवन परिचय करेंगे। कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।